राजा का ताजपुर में दशहरा मेले का आयोजन बहुत ही धूमधाम से किया गया। दशहरा मेले का सर्वप्रथम पंडित कन्हैयालाल शर्मा द्वारा हवन पूजन कराया गया। मेले का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख आकांक्षा चौहान एवं उनके पति राशु चौहान द्वारा फीता काटकर किया गया। दशहरा मेले के कार्यक्रम में अध्यक्ष शादीराम सैनी, उपाध्यक्ष पंडित राकेश शर्मा, कोषाध्यक्ष मोहित प्रजापति, ऑडिटर संजीव वालिया, उप कोषाध्यक्ष दिलावर प्रजापति, मंच संचालक कमलजीत सिंह नूर, ताजपुर चौकी प्रभारी जगपाल सिंह, नूरपुर थाना प्रभारी संजय तोमर की निगरानी में दशहरा मेले की शांति व्यवस्था बनी रही। सुमित सैनी के साथ शिवम शर्मा की रिपोर्ट। पत्रकार पदम सिंह सैनी जी से और शुभम वालिया जी से हमारा तो यही तक सीमित आएंगे। हमारे पिछले वर्ष भी श्री मती आकाशा चौहान जी के द्वारा ही इस दशहरा मेले का शुभारंभ। अब मैं निवेदन करूँ राम ने रावण का वध किया था, लेकिन इसके पीछे छिपी हुई जो बात हम सब लोगों को भगवान ने बताने की जो कोशिश की है, जो प्रयास किया है, जो हम लोगों को बताया है, वो असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय, यही हमें संदेश देती है हमारी रामायण। रामचरितमानस का जो हम इतने दिनों से आप लोगों के सामने जो भी नाटक के जरिए दिखाया जा रहा था, वो मात्र नाटक नहीं है। रामचरितमानस एक चित्र नहीं है, रामचरितमानस राम जैसे कुछ ना कुछ अपने अंदर बदलाव जरूर लाएंगे उसे देखकर, उसे पढ़कर। और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जो भी अच्छाई का साथ देगा भगवान उसका भला करता है। और मैं इसी साथ आपको जो है समय विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। इसके साथ ही मेला स्थल पर एएचएम हॉस्पिटल हमारे आयुष्मान राष्ट्र हॉस्पिटल है, एएचएम हॉस्पिटल की ओर से भी फ्री मेडिकल कैंप लगा हुआ है, जहाँ पर निःशुल्क दवाइयाँ बांटी जा रही है और उसके द्वारा पानी